हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का 11th लेक्चर और इसी में जो सेकंड पार्ट है रोटेशनल मोशन का 4th पार्ट। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का कॉज कि रोटेशनल डायनामिक्स होता क्यों है। जैसे हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन क्या था, उसका कॉज क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, वो उसके कॉज थे, मतलब उसके डायनामिक्स थे। स्टैटिक होता है और डायनामिक्स होता है, या फिर काइनेमेटिक्स होता है और डायनामिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स मतलब उसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं और डायनामिक्स मतलब क्या होता है, उसमें उसका कॉज क्या है, सर्कुलर मोशन का कॉज क्या है। तो सर्कुलर मोशन का कॉज था सेंट्रीपिटल फोर्स। आज यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का कॉज, रोटेशनल डायनामिक्स में जो सेकंड पार्ट है रोटेशनल मोशन उसका कॉज। अच्छा, रोटेशनल मोशन का कॉज क्या होता है, कोई तो फोर्स होगा। रोटेशनल मोशन में जो फोर्स है कॉज, उसको बोला जाता है टॉर्क, जिसको डिनोट किया जाता है लेटर टाउ से, इसको बोला जाता है टाउ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन। इसमें हम लोग को जो डेरिवेशन डिराइव करना है वो डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हमें, या फिर टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या टॉर्क होगा, क्या फोर्स लगेगा, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, तो पहले उसका मैंने आप लोगों का लीनियर मोमेंटम से बताया। आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, तो पहले मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं कि क्या चीजें होती है। ओके, तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर ये आपको आ गया, ये आपको आ गया, तो आप ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मिनट में आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं आएगा उसमें। ओके, तो टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट। ओके, अच्छा, टॉर्क का दूसरा नाम क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी, मोमेंट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, एबिलिटी, मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी। अच्छा, मैंने बताया था जब भी मोमेंट आएगा हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से डिस्टेंस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी आपको मोमेंट वर्ड सुनाई देगा आप लोग को करना है मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी। अच्छा, एबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब घुमाने का फोर्स, है ना, एबिलिटी ऑफ फोर्स। आप दरवाजे पे जाके अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे दरवाजा खुल जाएगा, घूमेगा, है ना, तो एबिलिटी ऑफ फोर्स। एबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब अगर आपके पास एबिलिटी है, फोर्स है, तो आप किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। घुमा सकते हैं मतलब आप उसको क्या कह रहे हैं, टॉर्क दे रहे हैं। तो कॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन हमें पढ़ना है, उसमें ये डेरिवेशन डिराइव करना है। उससे पहले हम लोग को आज पढ़ना है टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट। और टॉर्क का मीनिंग का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट, एबिलिटी। ओके, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जो भी 12th स्टैंडर्ड एस्पिरेंट है उनके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 11 और रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका क्या है, क्लाइमेक्स वाला पार्ट है। ओके, ये अपना क्या है, क्लाइमेक्स वाला पार्ट है। ओके, अच्छा, टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजिड बॉडी लेनी पड़ेगी। लेट्स से दिस इज एनी rigid body, this is any rigid body and this is my axis of rotation. Okay, इस axis पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, इस axis पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। Let's say this axis is there. Okay, इस particular point पे मैंने क्या किया, force लगाया, इस particular point पे मैंने क्या किया, force लगाया कुछ इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगा। कैन आई से दैट दिस पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, ये पॉइंट पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। क्या मैं बोल सकता हूं दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको ऐसे, अगर ये डायग्राम थोड़ा कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। This is my point of application of force. अगर इसको मैं पीछे अगर explain करूं, sorry, अगर मैं पीछे इसको extend करूं, so can I say that this is my line of action of force? This is my line of action of force. ये point जहां पे मैंने force लगाया,
क्यों फोर्स लगा है? ये बॉडी को रोटेट करना है। अरे बाबा, दरवाजे का जब एक पार्ट जो है हिंज से चिपका होता है, अगर आपको दरवाजा खोलना रहता है तो आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो, है ना? आप क्या अप्लाई करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो। तो ये एक मेरा रिजिड बॉडी था, इस रिजिड बॉडी को मुझे घुमाना था, तो इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको मैंने नीचे एक्सटेंड किया, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेट्स से इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूं, लेट्स से दिस डिस्टेंस बी आर, दिस डिस्टेंस बी आर, अगर मैं इसको आगे और एक्सटेंड करता हुआ चलूं, सो कैन आई से दैट दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। क्या ये भी डिस्टेंस मेरा, ये भी एंगल मेरा थीटा होगा? टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, तो ये देखो ये थीटा का अपोजिट वाला पार्ट है, अगर ये मेरा थीटा का अपोजिट पार्ट है, ये मेरा आर है, तो ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट मेरा होगा आर साइन थीटा। देख लो, सोच लो, समझ लो, ये डायग्राम बनेगा, है ना? है ना? देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया, क्यों लगाया? टू रोटेट द बॉडी। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट को मैंने, अच्छा ये मेरा फोर्स था, इसको मैंने नीचे खींचा, तो दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, इसको आगे मैंने देखा तो ये थीटा था, ये भी मेरा क्या मिला? थीटा। अच्छा, इसके अपोजिट वाला साइड है ना, थीटा के अपोजिट वाला साइड क्या होता है? हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, सो दिस इज आर, सो दिस विल बी आर साइन थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा, है ना? तो ये आर साइन थीटा होगा मेरा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री? देखो ये मेरा 90 डिग्री एंगल बना रहा है, डायग्राम थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ओके, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट, टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैंने फोर्स लगाया तो कितना टॉर्क होगा, क्या टॉर्क होगा, है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। बॉडी जब रोटेट होती है तो उसका कॉज क्या होता है, क्या कारण होता है कि बॉडी मेरी रोटेट हो रही है? उसका कारण होता है मेरा टॉर्क, उसका कारण होता है मेरा टॉर्क। मतलब किसी पॉइंट पे मैं टॉर्क लगाऊंगा, मतलब क्या लगाऊंगा? मोमेंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, तो बॉडी क्या होगी? रोटेट होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाया, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाया, मतलब यहां पे मैंने क्या लगाया? टॉर्क लगाया। तो मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टॉर्क का फॉर्मूला, है ना? क्या मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा? टॉर्क का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस किसके बीच में? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से बीच का डिस्टेंस है और ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये मेरा क्या होगा? फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको फिजिक्स वालों ने एक अलग नाम दिया हुआ है, इसको बोला जाता है मोमेंट आर्म। क्या मैं बोल सकता हूं? तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिख सकता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये और ये। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? मोमेंट आर्म। तो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू एफ, मोमेंट आर्म का मेरा क्या वैल्यू है? आर साइन थीटा। सो दिस विल बी आर साइन थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? 90 रहेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों 90 रहेगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये साइन थीटा है, ये जो मेरा स्केलर फॉर्म है, ये मेरा कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा को मुझे हटाना पड़ेगा, और साइन थीटा जब भी हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। हम पढ़ तो लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। क्यों एफ आर साइन थीटा? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉर्मूला।
टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टॉर्क लग रहा है ये हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए बच्चों? देखो, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एक पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उससे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट किया था, फिर बॉडी जो एक एक पार्टिकल से बनती उसको मर्ज कर देते तो हमें क्या मिलता था, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो वैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टॉर्क लग रहा है, इतना टॉर्क लग रहा है। तो ये बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, तो हर पार्टिकल पे इतना ही टॉर्क लगेगा, हर पार्टिकल पे इतना ही टॉर्क लगेगा। सबको मर्ज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। फिर से बताता हूँ, दिस इज माई एनी रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस इज माई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरी बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको मैंने नीचे एक्सटेंड किया, सो दिस विल बी माई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी माई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसी ये तरफ डिस्टेंस मैंने आर लिया, तो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया तो मुझे एंगल मिला थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये थीटा, इसको मैंने इससे मर्ज किया तो दिस विल बी माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रहा मेरा फोर्स, इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया फिजिक्स वालों ने नाम दिया उसका मोमेंट आर्म। तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म क्या वैल्यू क्या मेरा आर साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा मुझे, आर बार क्रॉस एफ बार। आइए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअली बात किसकी हो रही है। ओके, कुछ केसेस डिस्कस करेंगे ना हाँ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। सपोज कर लीजिए ये मेरा कोई भी डोर है, ये मेरा एक्सिस है, हिंज जिसको बोलते हैं ना, इधर आजा, मेरा यहां से हिंज लगा हुआ। ओके, ये जो पकड़ के खींचना हैंडल, लेट्स से इसका एक्सिस से डिस्टेंस है आर, एक्सिस से डिस्टेंस है आर। ओके, अच्छा इस दरवाजे पे आप फोर्स लगा रहे हो, इस दरवाजे पे आप फोर्स लगा रहे हो, लुक एट केयरफुली, फोर्स कहां पे लगा रहे हो आप? कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप दरवाजे को जो है ना ऐसे नहीं खींच रहे हो, ऐसे नहीं पुश या पुल नहीं कर रहे, आप ऐसे खींच रहे हो, आप ऐसे खींच रहे हो, है ना, दरवाजा है ऐसे और आप ऐसे खींच रहे हो। विल द डोर ओपन? नो, दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि आप दरवाजे को पुश या पुल नहीं कर रहे, ऐसे खींच रहे। इन दिस केस थीटा विल बी जीरो, इन दिस केस थीटा विल बी जीरो। सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, व्हाट यू विल गेट, साइन जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, एंटायर थिंग विल बी जीरो। तो अगर मेरा थीटा जीरो है तो टॉर्क भी मेरा क्या मिलेगा, जीरो। दिस इज माय केस नंबर वन। केस नंबर टू, यही दरवाजा है, हिंज है, हैंडल है, हैंडल से हिंज तक का डिस्टेंस आर है, लेकिन अभी जो आप फोर्स लगा रहे हो ना वो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, एफ। मतलब इन दिस केस यू आर पुशिंग और पुलिंग द डोर, कुछ इस तरीके से आप पुश या पुल कर रहे हैं। तो इन दिस केस आर एंड एफ मेकिंग 90 डिग्री, आर या एफ क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। तो अगर आप थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इन दिस केस टॉर्क विल बी मैक्सिमम। जब आप दरवाजे को पुश या पुल करते हैं ना तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है, क्या लगता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू 90, कैन आई से टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, और आई कैन से दैट टॉर्क हियर इज मैक्सिमम, टॉर्क हियर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मार्क माय वर्ड्स, एक बात मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि एबिलिटी ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, एबिलिटी ऑफ फोर्स आपको टॉर्क देगा। क्यों टॉर्क चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू रोटेट द बॉडी, मुझे दरवाजे को घुमाना है, अगर मुझे दरवाजे को घुमाना है आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा डोर विल बी ओपन, दरवाजा क्या हो जाएगा, खुलेगा, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं, मेरे पास एबिलिटी थी फोर्स की तो मैंने फोर्स लगाया, एबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब मैंने टॉर्क लगाया, एंड बिकॉज ऑफ टॉर्क, टॉर्क बिकॉज ऑफ द टॉर्क बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी इज रोटेटिंग।
तो ये था पूरा टॉर्क का कॉन्सेप्ट। टॉर्क मेरा अगर मैं इसे खींच रहा हूं या फिर जीरो है या फिर 180 डिग्री भी हो सकता है, आर मेरे यहाँ पे कुछ भी ले लो, वन ऑफ द सेम थिंग, जीरो या फिर 80, टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा जीरो। पुश या पुल कर रहा हूं मैं, या तो आगे ऊपर खींचो या फिर पीछे ढकेलो, थीटा विल बी 90। अगर मेरा थीटा 90 तो टॉर्क मेरा क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द टॉर्क। ये होता है टॉर्क का पूरा फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट है पूरा टॉर्क का। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं टू रोटेट द बॉडी, टू रोटेट द बॉडी। अगर मुझे बॉडी को रोटेट करना है, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये था पूरा टॉर्क का कॉन्सेप्ट। ये भी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ बच्चों, है ना, सिलेबस में नहीं दिया हुआ, मतलब आपको ऐसा लिखा गया कि 11th में आप लोग ने स्टडी किया, 11th में फॉर्मुला दिया, आप लोग ने स्टडी तो नहीं किया होगा, गारंटी है 11th में कौन पढ़ता है। तो इसीलिए मैं सारा कॉन्सेप्ट जो भी आपकी बुक में डेरिवेशन है, अगर वो नेसेसरी है उसका पीछे का इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा मैं। ओके, डायरेक्टली कोई भी डेरिवेशन में स्टार्ट नहीं करूंगा, उसका बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है बच्चों, उसका बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स से दिस इज एनी रिजिड बॉडी, दिस इज एनी रिजिड बॉडी, ओके, एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस। लेट्स से दिस इज माय मास m1, ओके, मास m2 एंड दिस इज माय मास mn। m1 है, m2 है, mn है, m1 है, m2 है, mn है। ओके, सो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है, लेट्स से r1, इसका डिस्टेंस है बच्चों r2, इसका डिस्टेंस है rn, दिस इज r2, दिस इज rn। ओके, काइनेटिक, जब हम लोग ने डेरिवेशन डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, है ना, तो हम लोग ने यहां पे क्या लिया था, इस पॉइंट को वेलोसिटी v1 लिया था। और जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग ने यहां पे लिया था p, लीनियर मोमेंटम लिया था। यहां पे हम लोग क्या लेंगे सोचे, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, यस, यहां पे हम लोग लेंगे फोर्स। क्यों फोर्स लेंगे, दरवाजे पे हम लोग क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे ना, टू रोटेट द डोर वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, टू रोटेट दिस बॉडी आई हैव टू अप्लाई द फोर्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, एक एक कॉन्सेप्ट। F1 लिख दिया आप लोग ने, यस, क्यों F1 लिखा पता नहीं है, कोई टीचर बताए, बिल्कुल नहीं बताएगा। ओके, हर एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। कैन आई से दैट दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, अगर ये बॉडी मेरी रोटेट कर रही है, ये बॉडी अगर मेरी रोटेट कर रही है, क्या मैं बोल सकता हूं एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, है ना, देखो सर्कल सर्कल, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एवरी बॉडी इज परफॉर्म, एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। नाउ ये ओमेगा, है ना, ये हो गया मेरा डायग्राम, ये हो गया मेरा डायग्राम। लेकिन ये डायग्राम में, ये डायग्राम में बहुत भारी मिस्टेक हो चुका है, क्या हो गया, ये डायग्राम में है ना, ये बहुत भारी मिस्टेक हो चुका है। अगर मैंने जानबूझ के मिस्टेक भी की है, अगर ये डायग्राम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा डायग्राम लिख देते हो, पूरा डायग्राम अगर आप लिख देते हो, डायग्राम बना देते हो, आप लोग ने पूरा डेरिवेशन भी लिख दिया, एग्जामिनर का अगर उस पॉइंट पे ध्यान गया तो पूरा मार्क्स जीरो कर देगा आपको। क्यों, क्योंकि यहां पे आप लोग ने लिखा हुआ ओमेगा, क्या लिखा हुआ आप लोग ने, ओमेगा, यहां पे ओमेगा नहीं आएगा, यहां पे ओमेगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यही यही झमेला है, यहां पे आएगा अल्फा, यहां पे आएगा अल्फा, क्यों अल्फा, अच्छा व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी। मगर सर आपने तो बताया कि रिजिड बॉडी में ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, लेकिन यहां पे तो ओमेगा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डेफिनेटली चेंज हो रहा है। सपोज कर लो ये फैन है आपका, सपोज कर लो ये क्या हो रहा है, ये एक फैन है, आपको गर्मी लग रही है, आपको क्या कर रहा है, आपको गर्मी लग रही है, आपने रेगुलेटर बढ़ा दिया, 3 पे था 4 पे चला गया, तो
पंखा मेरा जो फैन था पहले ओमेगा 1 से घूम रहा था, फिर क्या हो गया, चेंज हो गया, ओमेगा 2 से घूम रहा है। आपको और गर्मी लग रही है, फिर आपने रेगुलेटर और आगे किया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 से घूम रहा था, ओमेगा 3 पे घूमने लगा। मतलब ओमेगा यहाँ पे मेरा कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, एंड चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव रेज टू अल्फा। ओमेगा अगर मेरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम से मेरा चेंज हो रहा है तो मेरा क्या मिलेगा, वो अल्फा देगा। दरवाजे पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जब दरवाजा बंद रहता है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर जैसे जैसे दरवाजा खुलता है आपको धीरे धीरे फोर्स कम लगाना पड़ता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है। ओमेगा क्या होता है मेरा, चेंज होते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। एंड ओमेगा विद चेंजिंग द ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव रेज टू अल्फा, यहां पे अल्फा आएगा ना कि ओमेगा। ओके, इतना भारी मिस्टेक मत करना आप लोग। ओके, दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर नॉट एंगुलर वेलोसिटी, दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। एक और डीप कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, आप लोगों को याद है सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डोर वाला एग्जांपल याद रखो, ये मेरा आर डिस्टेंस पे था और फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं। और दूसरे केस में ये मेरा हिंज है, ये मेरा हैंडल है, ये आर है और ये मैं फोर्स लगा रहा हूं। किस केस में दरवाजा खुलेगा, ये केस में दरवाजा खुलेगा या ये केस में खुलेगा, केस 1 में दरवाजा खुलेगा या फिर केस 2 में? आपका आंसर होना चाहिए केस 2 में। केस 2 में जो है मेरा दरवाजा खुल जाएगा। क्यों दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि इस रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया मैंने, इस रेडियस पे मैंने कैसा फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। कैन आई से दैट मैंने यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, मैंने यहां पे कैसा फोर्स लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस परपेंडिकुलर टू द बॉडी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब इस पर्टिकुलर मास पे, इस मास पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगाऊं तो ये डायरेक्शन में जाएगा, वो ये डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मेरा पार्टिकल ये डायरेक्शन में जाके ये गोल घूम रहा है। मतलब कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, अपन टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से ये मास मेरा जो है घूम रहा है। नहीं समझा, पार्टिकल जब मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको घुमाने का ट्राई करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर। ये देखिए ये नीचे घुमा रहा है। टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, उसको कंटिन्यूअसली क्या करता है, उसका वेलोसिटी चेंज करते रहता है। तो यहां पे तो वेलोसिटी चेंज करनी है ना, तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर, ये टूवर्ड द सेंटर जाएगा, लेकिन हमें इसको गोल घुमाना है, ऐसे घुमाना है। तो यहां पे आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर आप लिखोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो क्या मिलेगा आप लोग को, जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना है। एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ पे देखो आप लोगों ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये मेरा हिंज था, हिंज के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो दरवाजा खुला है। अगर उसी लाइन में लगाया आपने, उसी डायरेक्शन में लगाया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड वी आर यूजिंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन में हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे, टेंजेंशियल फोर्स लेंगे, फोर्स भी यहाँ पे देखो टेंजेंशियल है। ओके, तो आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अपना। क्या बोलता है अपना डेरिवेशन, पहला एक्सेलरेशन ऑन ईच पार्टिकल, पहला स्टेप है एक्सेलरेशन, और कैसा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑन ईच पार्टिकल। क्या होता है टेंजेंशियल का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ओमेगा नहीं आएगा अल्फा आएगा, तो ए वन आर वन अल्फा वन, ए टू आर टू अल्फा टू, ए एन आर एन अल्फा एन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। सेकेंड आएगा फोर्स ऑन ईच पार्टिकल, कैसा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा सर आपने फोर्स ही क्यों फाइंड आउट किया, अभी बताता हूं ऑन। अच्छा मैंने ऐसा समझ के जैसे मैं आपको मारने आ रहा हूं, टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच पार्टिकल। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
इफ देयर इज एक्सेलरेशन मींस दैट देयर इज अ फोर्स. अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है मतलब वहां पे फोर्स होगा बाय द न्यूटन सेकंड लॉ. तो हमने तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. क्यों एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट किया सर? क्योंकि अल्फा था यहाँ पे अपने पास क्या था? अल्फा था. और अल्फा का सिंपल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा ए से. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्यों? क्योंकि हमें दरवाजे को ओपन करना है, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे, ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाएंगे. हम लगाएंगे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन लगा दिया बाय द न्यूटन सेकंड लॉ. जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे फोर्स भी है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी होगा. क्या मैं बोल सकता हूँ एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी भी लिख सकता हूं मैं, है ना? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एफ वन इज इक्वल टू एम वन ए टी या फिर ए वन आर वन अल्फा वन, आर वन अल्फा वन ए हुआ. एफ टू इज इक्वल टू एम टू आर टू अल्फा टू. एफ एन इज इक्वल टू एम एन आर एन अल्फा एन. देख लो, सोच लो, समझ लो, यही हो. ये रहा मेरा सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या होता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक पार्टिकल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है. जैसे हम हमने फाइंड आउट किया था टॉर्क अबाउट एनी गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टॉर्क एक्ट होता है. फॉर्मुला हमने डिराइव किया था एफ आर साइन थीटा. टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा. थीटा कितना था? 90. क्यों 90? जब दरवाजा मेरा 90 डिग्री पे मैंने पुश या पुल किया तभी दरवाजा खुला. 0 या 80 डिग्री पे रखा तो मेरा दरवाजा नहीं खुला, है ना? ऐसे खींचा मैंने दरवाजे को 0 या फिर 180 डिग्री पे, दरवाजा मेरा नहीं खुला. 90 डिग्री पे मैंने पुश या पुल किया तो मेरा क्या मिल गया? मुझे दरवाजा खुला हुआ मिल गया या फिर बंद कर दिया मैं. थर्ड स्टेप क्या बोलता है? टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल. क्या बोलता है टॉर्क का फॉर्मूला? एफ आर साइन थीटा बट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर. तो टॉर्क वन एफ वन आर वन. टॉर्क वन इज इक्वल टू एफ वन आर वन. एफ वन का फॉर्मूला क्या है? एम वन आर वन अल्फा वन. आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं. टॉर्क वन इज इक्वल टू एफ वन के प्लेस में मैं लिख सकता हूं एम वन आर वन अल्फा वन. एम वन आर वन अल्फा वन आर वन. एक और मिस्टेक पूछो क्या? सर आपने अल्फा वन अल्फा टू क्यों लिखा? अल्फा तो मेरा सेम रहने वाला है. यस, तो यहां पे क्या आएगा? अल्फा अल्फा ही आएगा, ना कि अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा एन. ओके, तो यहां पे भी मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? आर वन अल्फा लिखूंगा. ओके, तो टाउ वन इज इक्वल टू एफ वन आर वन. टाउ वन एफ वन का फॉर्मूला क्या होता है? एम वन आर वन. और यहाँ पे एम वन आर वन अल्फा और ये रहा आर वन. तो टाउ वन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एम वन आर वन आर वन स्क्वायर एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा. इसी तरीके से टाउ टू क्या बनेगा? एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा. टाउ एन क्या बनेगा? एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा. फोर्थ स्टेप, हर एक पार्टिकल का मुझे टाउ मिल गया. हर एक पार्टिकल पे कितना टॉर्क लग रहा है मुझे मिल गया. पहले वाले पार्टिकल पे कितना लग रहा है? एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा. सेकंड वाले पे कितना लग रहा है? एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा. ऐसे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे कितना मेरा लगेगा टॉर्क? उतना ही लगेगा जितना मैं यहाँ पे डिस्कस किया. ओके, लास्ट का बोलता है टोटल टॉर्क. टोटल टॉर्क, सो टोटल टॉर्क ऑन अ बॉडी. सो टाउ टोटल इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन. क्या बोलता है अपना टाउ वन? एम वन आर वन अल्फा. एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा. अल्फा कॉमन हो जाएगा. अल्फा क्या मिलेगा अपने को? टाउ टोटल. अल्फा क्या मिल जाएगा? कॉमन. ब्रैकेट में क्या बचेगा? एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर. ओके, सो टाउ टोटल ये रहा अल्फा. व्हाट इज दिस? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. 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 क्या फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल. टोटल मैं कर दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी. ये मुझे क्या मिल जाएगा?
दिस एंटायर पार्ट विल बिकम आई. तो टाउ का फॉर्मूला मुझे मिलेगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. देखो क्या डिमांड थी अपने डेरिवेशन की, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो टॉर्क इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहले बेसिक सिखाया मैंने, पहले क्या बताया मैंने, बेसिक सिखाया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और उसको घुमा दे रहा है. घुमाने की फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब एबिलिटी ऑफ फोर्स, उसको हम लोग बोला जाता है टॉर्क. ओके सो दिस इज द कॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन. ये कॉज है उसका. ओके तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टॉर्क और क्या होता है एक्सप्रेशन द फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा. पूरा डेरिवेशन जो भी है आप लोग को इसी तरीके से लिखेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना बेस्ट दिया है. ओके सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक डेरिवेशन बचा है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. तीन वीडियो भी फिर कंटिन्यू आएंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रोलिंग मोशन. मतलब इसके बाद अभी आप लोग को अभी और चार वीडियो, तीन वीडियोस मिलेंगे. परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक वीडियो मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपकी बुक में एक डायग्राम उतना क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाने का ट्राई करूंगा. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन. ओके चैप्टर विल बी ओवर. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन. ओके प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. जो भी नीडी है, जिनको भी ऐसा लगता है वो कोचिंग फीस नहीं, कोचिंग में नहीं जा पा रहे, वीडियोस उनके तक पहुंचाइए. मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ बच्चों. ओके सो टिल देन बाय बाय.